हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईवी वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आपके लिए 2021 में लॉन्च होने वाली पांच इलेक्ट्रिक बाइक की लिस्ट ले आए हैं जो कि 2021 में होगी लॉन्च। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ और आप देख रहे हैं ईवी वर्ल्ड। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अगर चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो मेक श्योर ईवी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया से जुड़ी हुई खबरों को सबसे पहले आप जान सकें। नंबर दोस्तों पांचवे के साथ शुरुआत करें। नंबर पांचवे पे जो गाड़ी आती है दोस्तों ये है हिलो की इलेक्ट्रिक AE3। दोस्तों ये डिज़ाइन वाइज ये एक थ्री व्हीलर स्कूटर है जिसको डिज़ाइन किया गया है सीनियर सिटीजन के लिए या फिर जो लोग दिव्यांग होते हैं। दोस्तों इस गाड़ी का आप डिज़ाइन देखिए तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल स्कूटर है जिसके अंदर आपको ऑटो बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। दोस्तों इस गाड़ी को आप एक बार पूरी तरीके से चार्ज कर 4 घंटे इसको लगेंगे चार्ज होने में और ये गाड़ी एक बार पूरी चार्ज होने में 160 किलोमीटर तक जा सकती है। इस गाड़ी की दोस्तों टॉप रफ्तार होने वाली वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और इस गाड़ी में दोस्तों आपको GPS टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है और साथ ही ये गाड़ी काफ़ी स्मार्ट है क्योंकि इसमें सिम कार्ड सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर ये गाड़ी अपने किसी दोस्त को देते हैं तो आप उस पर निगरानी रख सकते हैं कि वो बंदा कहाँ जा रहा है या फिर उसने आपकी गाड़ी को कहाँ कहाँ ले गया था। दोस्तों इस गाड़ी की कीमत हो सकती है 1,00,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये के बीच में और ये गाड़ी सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। बात करें दोस्तों अपनी फोर्थ नंबर गाड़ी की, दोस्तों नंबर चौथी गाड़ी का दोस्तों जो नाम है वो है TVS की जेपलिन। दोस्तों ये गाड़ी को सबसे पहले 2018 में चल रहे ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था और ये गाड़ी डिज़ाइन वाइज ये क्रूजर बाइक है। दोस्तों इस गाड़ी की सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि दोस्तों ये एक हाइब्रिड बाइक है। दोस्तों इस गाड़ी में आपको 220cc का इंजन देखने को मिलता है, साथ ही साथ इसके अंदर दोस्तों एक इलेक्ट्रिक मोटर भी फिट किया गया है। दोस्तों ये गाड़ी मेल्ट हाइब्रिड प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है जहाँ पर ये गाड़ी आप चाहे तो पेट्रोल और चाहे तो इलेक्ट्रिक मोटर से चला सकेंगे। दोस्तों इस गाड़ी में जितनी भी लाइट्स हैं सभी LED दी गई है और इस गाड़ी में दोस्तों आपको HD कैमरा और कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों बात करें इस गाड़ी की कीमत क्या हो सकती है, गाड़ी कब लॉन्च होगी। दोस्तों ये गाड़ी की कीमत हो सकती है लगभग 1.5 लाख रुपये से लेके 2 लाख रुपये के बीच में और ये गाड़ी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जुलाई 2021 तक ये गाड़ी कंपनी लॉन्च कर देगी। नंबर तीसरे दोस्तों गाड़ी की बात करें तो इस गाड़ी का नाम है दोस्तों ओकिनावा की OK100। दोस्तों ये डिज़ाइन वाइज एक स्पोर्ट्स बाइक है और जो लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं जिनको एक बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल बाइक चाहिए उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। दोस्तों इस गाड़ी में आपको कोई पेट्रोल नहीं डालना है, ये गाड़ी प्योर इलेक्ट्रिक मोड पे चलती है और इस गाड़ी में दोस्तों 150 किलोमीटर तक का रेंज देखने को मिलेगा और ये गाड़ी टॉप रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल सकती है और इसके अंदर दोस्तों को ब्लेंड डिविन इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिलता है जो कि आपको कैसे भी रास्तों से काफ़ी आराम के साथ सफ़र करा देगी। दोस्तों ये गाड़ी ज़्यादा बड़ी तो नहीं लगती दिखने में लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा ये हैंडी ज़रूर हो सकती है। दोस्तों इस गाड़ी में दिया गया डबल डिस्क ब्रेक का सपोर्ट और इस गाड़ी की कीमत एक्सपेक्ट की जा रही है 80,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये के बीच में और ये गाड़ी दोस्तों मार्च 2020 तक इसकी लॉन्चिंग एक्सपेक्ट की जा रही है। दोस्तों नंबर दूसरे गाड़ी की बात की जाए तो ये है दोस्तों हीरो का इलेक्ट्रिक AE47। दोस्तों ये गाड़ी डिलीवरी कम्यूटर सेगमेंट की गाड़ी है, अगर आपको एक डिलीवरी जोमेटो वगैरह में काम करते हैं या फिर आपको डेली सिटी राइड्स करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छी बेहतर है। दोस्तों इस गाड़ी को सबसे पहले 2020 में चल रहे ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था और ये गाड़ी हूबहू OK100 के प्लेटफॉर्म पर बेस है, मतलब कि जैसी OK100 गाड़ी है उसी तरीके की ये भी गाड़ी है। दोस्तों इस गाड़ी में आपको 150 किलोमीटर तक का रेंज देखने को मिल सकता है और इस गाड़ी को फुल चार्ज होने में लगेंगे मात्र 4 घंटे। दोस्तों यहाँ पर बात करें इसमें आपको ड्रम प्लस डिस्प्ले का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जो कि गाड़ी काफी आराम से कंट्रोल कर सकेंगे। दोस्तों हीरो की AE47 की मैं बात कर लूं तो ये गाड़ी दिखने में काफी ज्यादा क्यूट लग रही है और ये गाड़ी हम अगर कंपेयर कर देते हैं ओकिनावा की OK100 के साथ तो ये गाड़ी दिखने में बड़ी लगती है, मतलब कि परफेक्ट स्पोर्ट्स बाइक इसे हम कह सकते हैं। दोस्तों अब लिस्ट में अपने आते हैं नंबर 1 बाइक की तरफ। अगर दोस्तों आप बाइकिंग के दीवाने हैं तो नंबर 1 बाइक आपके दिल पे छा जाने वाली है। दोस्तों इस बाइक का नाम है क्रीडन इलेक्ट्रिक बाइक। दोस्तों ये क्लासिक बाइक पे बेस्ड एक गाड़ी है जो कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक पावर पे चलती है। दोस्तों इस गाड़ी को बनाया है 1 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कंपनी ने जो कि दोस्तों अभी ये एक प्योर मेड इन इंडिया कंपनी है। दोस्तों इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है 5.5 किलोवाट का पीक पावर मोटर जिसको दम पर आप 95 किलोमीटर प्रति घंटे के टॉप रफ्तार के साथ चला सकते हैं। दोस्तों इस गाड़ी को देखने में ये गाड़ी काफ़ी सॉलिड और ठोस लगती है। मैंने इसे नंबर 1 का सेगमेंट इसलिए रखा क्योंकि यार गाड़ी ये दिखने में गाड़ी लगती है, पहली बात तो आपसे ध्यान से देखो और ये एक फील है।
क्लासिक बाइक्स यामाहा की आरएक्स वगैरह देखोगे तो ये गाड़ी आपको उसकी याद दिलाती है। दोस्तों इस गाड़ी में आपको दो तरीके से आप इसे चला सकेंगे। दोस्तों पहला है इसका इको मोड, दूसरा है नॉर्मल मोड। गाड़ी में दिया गया दोस्तों 3 kWh का लिथियम आयन बैटरी पैक और इस गाड़ी में वो डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलता है। दोस्तों इस गाड़ी में आपको इको मोड पे गाड़ी आपको 110 km तक का रेंज देगी और अगर इसे एक नॉर्मल राइड लेना चाहें तो ये गाड़ी आपका आराम के साथ 80 km तक का सफर पूरा कर देगी। इस गाड़ी की कीमत शुरू हो सकती है 1 lakh rupees से और टॉप मॉडल कीमत जाएगी 1.5 lakh rupees तक। ये दोस्तों एक्सपेक्टेड प्राइस है और ये गाड़ी मैं बता दूं मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और आप इसे चाहे तो प्री बुक भी कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो? ये यही दोस्तों वो 5 गाड़ियां हैं जो कि 2021 में हो रही हैं लॉन्च भारतीय बाजार में। आपको कौन सी गाड़ी पसंद आ रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की खबरों को जानने के लिए भविष्य में क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगी, दुनिया में कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च हो रही है, इन सारी खबरों को एक ही जगह जानने के लिए सब्सक्राइब करिए ईवी वर्ल्ड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय एंड सब्सक्राइब ईवी वर्ल्ड।